Friends, has it ever happened to you that you know lots of English words, but when you're trying to speak to someone in English, you're completely at loss of words? You're just not getting the proper words. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको अंग्रेजी के शब्दकोश तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन जब आप बात करने जा रहे हो तो आपके जुबान पर एक भी शब्द नहीं आ रहा है, पर जब आप अपने मातृभाषा में या हिंदी में जब बात करने जा रहे हो तो काफ़ी सारे शब्द आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत जनों के साथ ऐसा होता होगा। तो आइए आज की क्लास में देखते हैं कि हम अपना अंग्रेजी के शब्दकोश, इंग्लिश वोकैबुलरी कैसे बढ़ाएं और कैसे काफ़ी दिनों तक, काफ़ी समय तक इन शब्दों को अपने मेमोरी में रिटेन कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम कौरवी घोष है, मैं एक ट्रेनर हूँ स्पोकन इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में, और मुझे करीबन 1.5 decades का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि अंग्रेजी के वोकैबुलरी कैसे बढ़ाएं और इसे काफ़ी दिनों तक अपने मेमोरी में कैसे रिटेन कर सके। जो लर्नर्स हैं वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो एक साथ कई शब्द सीख लेने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट डे वो चाहते हैं कि मैं 10 शब्द सीख लूँ, सेकेंड डे में और 10 शब्द सीख लूँ, थर्ड डे मैं और 10 वर्ड सीख लूँ। तो इस तरह से मैं काफ़ी सारे वोकैबुलरी मैं सीख जाऊंगा या सीख जाऊंगी। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे जो पिछले के शब्दकोश है वो भूलते जाएंगे। सो व्हाट इज़ द करेक्ट मेथड? तो करेक्ट मेथड यही है कि आप धीरे धीरे वर्ड्स को, वोकैबुलरी को सीखें, और न ही सीखें उसे प्रैक्टिस भी करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने आज ये वर्ड इंस्पायर सीखा, यानी प्रेरित करना, तो मुझे ये इसका मीनिंग तो पता होना ही चाहिए, साथ में ही मुझे ये भी पता होना चाहिए कि इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई मदर इंस्पायर्स मी अलॉट, एंड हु इज़ योर इंस्पिरेशन? टिप नंबर 2 इज़ नेवर यूज़ बाइलिंगुअल डिक्शनरी, यानी ऐसे डिक्शनरी मत ले जो कि अंग्रेजी से हिंदी हो या अंग्रेजी से गुजराती हो या कोई भी अंग्रेजी जो कोई अन्य भाषा हो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि काफ़ी बार अंग्रेजी के शब्द अगर हम हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहें तो कई समय इसका जो अर्थ है वो बदल जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल, अंग्रेजी का एक वर्ड है प्लैटो। सो प्लैटो के बहुत सारे मीनिंग हैं। आपको जैसे कि पता होगा, एक वर्ड के काफ़ी सारे मीनिंग हो सकता है। सो प्लैटो का हिंदी अर्थ यदि हम देखने जाए तो इसका अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो ये लिखा होगा उच्च स्थलीय, यानी ऊंचाई के जगह वाले स्थान। लेकिन यदि मैं अंग्रेजी में इस सेंटेंस को बोलना चाहूँ कि मैं अपने करियर में इस मुकाम तक पहुँच गई हूँ जहाँ पे इसके बाद और कोई प्रोग्रेस ही नहीं है, तो अंग्रेजी में इसे किस तरह से कहेंगे? आई हैव रीच्ड अ प्लैटू इन माई करियर, दैट इज आई हैव रीच्ड अ सर्टेन स्टेट वेयर देयर इज नो प्रोग्रेस और वेरी लिटिल चांस ऑफ प्रोग्रेस। टिप नंबर 3, there are some words which we often use, which are commonly used by us. कुछ शब्द हैं जो हम अक्सर यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक वर्ड है अमेजिंग, जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओ द हैव यू सीन दैट मूवी? दैट मूवी वॉज अमेजिंग। हैव यू ट्राइड द फूड इन दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट? यू गेट अमेजिंग फूड ओवर देयर। तो देखा फ्रेंड्स आपने, मैं अमेजिंग वर्ड
को बहुत बहुत कॉमनली यूज करती हूँ. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अमेजिंग 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 ऑल द टाइम, वी कैन यूज सम सिनोनिम्स. तो क्या हम क्या करेंगे, अमेजिंग को हम डिक्शनरी में देखेंगे, या तो गूगल, आजकल तो बहुत ईजी हो गया लाइफ, हम गूगल में इसके सिनोनिम्स ढूंढेंगे. सो अमेजिंग के क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, फिनोमिनल, एस्टोनिशिंग, अमेजिंग, ऑसम. सो हैव यू सीन द मूवी? It was absolutely a phenomenal movie. You are looking astonishing today. इस तरह से यदि हम सेंटेंस में यूज करें तो हम ये नए शब्द को काफी दिनों तक अपने मेमोरी में स्टोर करके रख सकेंगे. टिप नंबर 4, लर्निंग वोकैबुलरी इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि हम ऐसा सोच लेंगे कि चलो एक हफ्ते में या 10 दिन में हम पूरा का पूरा अंग्रेजी के शब्दकोश, या तो फिर फॉर दैट मैटर कोई भी लैंग्वेज का शब्दकोश 10 दिनों में सीख लेंगे. ऐसा नहीं होता है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं अंग्रेजी के सारे वोकैबुलरी जानता हूँ. So yeah, we have to learn consistently. So tip number 5 is, yes, you need discipline and consistency in your journey of learning English language. तो आपके जो journey है English सीखने का, इसमें discipline और consistency का होना बहुत ज़रूरी है. So friends, उम्मीद करती हूँ आपको आज का video पसंद आया होगा और आपने कुछ सीखा तो ज़रूर होगा. और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो यू नो व्हाट टू डू, यस, गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग.